किसने कर दिया फैन खराब आपका? क्यों? फैन खराब कर दिया, हवा नहीं आ रही। हेलो है, नमस्ते, सलाम, नदीम सैफी है आपके भाई का नाम। क्या हाल चाल है आपके? आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैफी साहब। कैसे हो आप लोग? देखो लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में मैं आप सभी जगह से ये खबरें मिल रही हैं कि कभी इनकी डेथ होगी, कभी उनकी डेथ होगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में सेफ रहिए जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। सरकार जो भी नियम सरकार ने बनाए उन नियमों का पालन कीजिए और सेफ रहिए। अब मैं बताऊँ बात अपनी, तो मैं तो शुरू से जैसे पिछले साल लॉकडाउन लगा था तब से घर में ही हूँ और काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आया। वो इस वजह से क्योंकि रोज़े का महीना चल रहा था, पूरा रमज़ान का महीना चल रहा था और फिर उसमें नमाज वगैरह कुछ करने को खास था नहीं। बच्चे भी यहाँ पे थे नहीं, नानी के घर गए हुए थे अपने। सो अभी थोड़ा सा फ्री हुए हैं तो मैंने सोचा चलो लॉकडाउन है, जो भी दो जितनी भी वीडियो बनेंगी वो वीडियो आप लोगों को बनाएंगे दिखाएंगे। और अभी बीच में बिल्कुल ही वीडियो बनना रुक गया था। अभी कोशिश करेंगे कि जितनी मैक्स टू मैक्स वीडियो हो सकती हैं डेली वीडियोस बने और डेली व्लॉग अपने आपको देखने के लिए मिल जाएं। कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे इस दौरान। देखो अब लोग सोचेंगे कि वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहा है। भाई मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में, शौक है वीडियो बनाने का, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। अभी किसी से यूट्यूब से किसी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं है कि कभी कुछ पैसा आएगा, जब आएगा जब आता रहेगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए ये है कि बना रहे हैं, शौक है। जब कभी कुछ तरक्की मिलेगी, जब देखेंगे कि उसको फुल टाइम लेना है पार्ट टाइम लेना है। महित को आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं, वो नानी के यहाँ से आ गया और उसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, इचिंग कर रहा था, ऐसे ऐसे कुछ। बाल मेरे बढ़ रहे हैं, देख रहे हो कितने बाल बढ़ रहे हैं। अभी तो ये थोड़े कर्ल होंगे, बीच में थोड़े सीधे थे और इतने इतने लंबे लंबे हो गए थे, पूरी भर गई थी। तो अभी इनका बालों का स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़े कर्ल हो गए हैं, ऐसे आ रहे हैं जैसे पता नहीं कैसे आ रहे हैं, जैसे चल रहा है चलने दो मेरे को अच्छे लग रहे हैं। और महीद के बाल भी बढ़ रहे हैं तो उनको कटवाते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको गंजा भी करा देंगे, क्योंकि उसके बालों में थोड़ा गैप ज़्यादा है तो वो थोड़ा फील हो जाए। कहते हैं कि भाई बाल कटवा, बच्चे के बाल जल्दी जल्दी उस तरह लगवाने चाहिए, उस तरह लगवा देना चाहिए तो ठीक हो जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस तरह लगवा के देखते हैं कि क्या रहता है। फिलहाल अभी उस तरह नहीं लगवा रहे उसके। चाचू क्या कर रहे हैं आपके साथ? बाल कटा रहे हो आप? अच्छा लग रहा है आपको? गंदा लग रहा है, है? अच्छा लग रहा है? बहुत बड़े हो रहे थे आपके बाल। आपको बड़े बाल अच्छे लगते हैं छोटे बाल? हमें आपको बड़े बाल अच्छे लगते हैं छोटे बाल अच्छे लगते हैं? छोटे बाल अच्छे लगते हैं आपको? हाँ काट रहे हैं आपको। गंजा करते हैं? गंजा गंजा नहीं होना, गंजा अच्छा नहीं लगता आपको? और ये है आज का इवनिंग स्नैक्स, यिप्पी नूडल। वैसे तो हमारे घर में मैगी बनती है लेकिन यिप्पी बन गई है, यिप्पी गिफ्ट में मिल गई थी तो हम बना रहे हैं इसको। देख रहे हो स्वाद लग रही है।
आगे 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 पानी क्यों गिर रहा है, एक बात बता, कैसे लगी नूडल, कैसी लगी आपको? नहीं बता रहे, नहीं बता रहे नूडल कैसी लगी? नहीं बता रहे बेटा, अच्छी लगी तो मौज कर दी बेटे, बेटा मौज कर दी, ऐसे मई तो मौज कर दी बेटे, तो बोल दे। देखो गाँव मसाने बेकारी पहले आ गई इवनिंग स्नैक्स में मैगी बनाई, एक ये यूपी बनाई है, भिखारी आ गए भाई जब मैं बनाता हूँ ना तब मांग मांग के तो प्लेट तो दे दे, क्या हो गया? भाई अरे भाई जरा सी चखने दे, क्या बात है, बस थोड़ी सी तो दे भाई, यार तू झूठी कर रहा है इसको सारी। हाँ और क्या, थोड़ी सी तो दे, मैं खिला रहा, मैं खिला रहा, अच्छा करो, मैं लाइन काटी काटी कर लो, नहीं करनी काटी काटी नहीं भाई कहते वहा बेटे मौज कर दी, जल्दी बोलो नहीं तो मैगी नहीं, नूडल नहीं खिलाऊंगा, जल्दी बोलो मौज कर दी बेटे। ये मुंबई की तस्वीरें हैं, 10 बज चुके हैं और इस वीडियो को एंड करने का भी टाइम आ गया, जितनी जल्दी जितनी छोटी वीडियो हो सकेगा, मतलब कोशिश करेंगे कि छोटी वीडियो रहे और जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना जल्दी अच्छा है, क्योंकि घर पर वैसे भी कुछ खास करने को है नहीं। ठीक है, बाकी आपके भाई के बाल कैसे लग रहे हैं, कटाने चाहिए नहीं कटाने चाहिए ये कमेंट करके बता देना। और एक पीछे आप देख रहे हो ये गिटार रखा है, इसको अगली वीडियो में अनबॉक्स करेंगे, इसको खोल के देखेंगे क्या है, धूल कितनी चढ़ी हुई है, इसकी धूल हटाएंगे और फिर इसको बजाएंगे, आपको गिटार बजा के दिखाऊंगा अगली वीडियो में। हाँ हेलो, और क्या बोलते हैं, मौज कर दी बेटे, बाय कर दो, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, बुरी लगी है तो डिसलाइक कीजिए, मतलब कुछ ना कुछ कीजिए जरूर। और ये बीच में बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे हटकर जीने की मेरी ख्वाहिश है, कुछ आरज़ू है।